हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो है बॉयल आलू की कढ़ाई। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलूओं को धोकर अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। 1 kg हमने आलू लिए हैं। नेक्स्ट हमने एक पैन में ऑयल लेना है। अब इसमें हमने ऐड किया बारीक चॉप किया हुआ प्याज 250 ग्राम। प्याज की क्वांटिटी जो है वो आपने ज़्यादा रखनी है। और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन करने लगे हैं। देखिए प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो रहा है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में। बहुत अच्छी तरह से आप इसको फ्राई कर लें। जब ये फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटरों का पेस्ट। छिलके उतार कर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। टमाटर की क्वांटिटी भी जो है वो आप थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हम ये कढ़ाई बना रहे हैं इसमें हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। इसको भी आप थोड़ा सा पका लें। ये देखिए हमने इसको भून लिया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। इससे पता चलता है कि जो हमारा मसाला है वो रेडी हो गया है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर रहे हैं नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून। और इसको अब हम सारे मसाले में भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मसाला आपने भून लेना है। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जल ना जाए। हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला 20 ग्राम। साबुत गरम मसाला लें, उसको भी आप मसाले में मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही 150 ग्राम। दही को हमने सारे मसाले के साथ पका लेना है। ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बॉयल पोटैटो। हमने इसको ट्रायंगल शेप में काटा है, बहुत सॉफ्टली, क्योंकि आलू जो हैं वो हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं, इसलिए हमने बहुत सॉफ्टली जो है चम्मच के साथ सारे मसाले में इसको मिक्स करना है। फोर टू फाइव मिनट्स के लिए हम इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये कढ़ाई है इसलिए हमने इसकी ग्रेवी बनाई है। ये बहुत ही यूनिक सी डिश है। जो चिकन कढ़ाई लाइक नहीं करते वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम गार्निशिंग कर लेते हैं साबुत हरी मिर्चों के साथ। काट के भी आप डाल सकते हैं। अदरक को भी आप बारीक बारीक काट के इस पर ऐड कर लें। हरा धनिया इसमें हमने ऐड किया। और ये देखें आपकी मज़ेदार सी जो बॉयल आलू की कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।